गाइस, पूरी रात जगने के बाद में और अपनी नींद खराब करने के बाद में जो मजा आया है वो बड़ा ही जबरदस्त है। और जो चीज हम बना करके तैयार करना चाह रहे थे गाइस, अब उसके टेस्टिंग का, उसकी परीक्षा का समय आ गया है। तो गाइस, यहाँ पर है हमारी बोतल से बनी हुई प्लेन। और गाइस, आप लोग देख सकते हो कि ये जो प्लेन है, ये जो एरोप्लेन है, ये पूरा का पूरा बॉटल से बना है। आप इसको किसी भी साइड से देखो, इसमें हमने बॉटल्स और टेप के अलावा और कुछ भी यूज नहीं किया है। सिर्फ आगे थोड़ा सा कार्डबोर्ड बनाया है एरोडायनेमिक शेप देने के लिए। लेकिन आप लोग देखो कि जो पूरा प्लेन है वो यहाँ पर गाइस बन करके तैयार हो चुका है बॉटल्स की मदद से। जो कागज का प्लेन बनता है वैसा ही प्लेन हमने खाली प्लास्टिक की बॉटल से बना दिया है। और आपको पता ही है गाइस कि जो बॉटल्स होती हैं, एक बार जैसे पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में, उनका कोई भी यूज नहीं होता है। लेकिन सोचो अगर खाली प्लास्टिक की बॉटल से बना हुआ एरोप्लेन उड़ेगा तो भाई साहब कितनी मजेदार बात रहेगी ना गाइस। आज यही टेस्ट करने वाले हैं। बन तो चुकी है प्लेन, अब हम लोग आ चुके हैं फिलहाल यहाँ पर इस पहाड़ के पास में। आप लोग देख सकते हो गाइस, इधर पे पहाड़ है। देखने में जो है ऐसा लगेगा आपको कि ये नीचा सा है, लेकिन गाइस हल्के मत लेना, ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। पहाड़ी है वैसे तो, ऐसा भी नहीं है कि माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हमारे काम के लिए पर्याप्त है। और इस बोट को गाइस, बोट नहीं है ये, इस प्लेन को लेकर के जाएंगे पहाड़ के ऊपर और वहां से इसको उड़ाएंगे और देखते हैं कि कितना काम करता है। शुरू करते हैं फटाफट से। आप लोग वीडियो के लिए भाई लाइक का बटन जरूर से दबा देना और इसको उड़ा करके, ये उड़े ना उड़े जो भी हो, कहाँ फिनिश करके भाई, मैं तो खूब सोने वाला हूँ और आप लोग खूब लाइक करने वाले हो, दबा देना लाइक का बटन। चलो भाई, गाइज इस प्लेन की एक खास बात ये है कि इसका जो वजन है, इसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि गाइज ये जो है खाली बॉटल से बनी है। इसका साइज इतना बड़ा भले ही है लेकिन इसका वजन फिर भी जो है कम है। आप देख सकते हो इसको बहुत आसानी से जो है उठाया जा सकता है। तो अब इसको लेकर के चलते हैं गाइज पहाड़ के ऊपर और ऊपर चढ़ते हैं और आपसे मिलेंगे ऊपर और वहाँ से उड़ाएंगे प्लेन को। चलो भाई, तो गाइस यार इतना ऊंचाई चढ़ करके हम लोग पहाड़ पर आ चुके हैं, थक गए थे तो यहाँ पर 15 मिनट रेस्ट भी ले चुके हैं। हाइट इतनी है, देखो गाइस वो है हमारी गाड़ी जो कि वहाँ पर खड़ी है। नीचे जो पहाड़ है वो ऐसा लग रहा था बस ये रहा, लेकिन यहाँ आकर के देखो कितनी हाइट पर हम आ चुके, छोटी सी इतनी सी दिख रही है। और यहाँ पर है गाइस हमारा प्लेन जिसको हम नीचे से ऊपर लेकर के आ चुके हैं और अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। लेकिन गाइस इसमें यार अभी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, चलिए पहले उसको पूरा करते हैं फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। गाइज यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत के उन वीर सिपाहियों का, उन सैनिकों का, इंडियन एयरफोर्स का, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे लिए अपनी जी जान लगा करके अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो इसीलिए हम डेडिकेट कर रहे हैं गाइज इस वीडियो को इंडियन एयरफोर्स को, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स का जो स्टिकर है वो लगाएंगे गाइज हमारे प्लेन के ऊपर। और यहाँ पर लग करके मुझे लगता है इसकी जो खूबसूरती है वो भी और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं गाइज ये जो है बहुत प्राउड एक मोमेंट होगा इसकी टेस्टिंग करना। आई डोंट नो, एक एक्सपेरिमेंट है गाइज, हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है उड़ भी जाए, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। तो गाइज अब बारी है इस प्लेन को लॉन्च करने की और देखते हैं कि जो बॉटल्स का प्लेन है वो उड़ पाएगा या नहीं। चलो गाइज इन 3 2 1 भागो, छोड़ो तेरी।
आराम से लगभग जो है 40-50 फीट नीचे प्लेन गया है, और गया तो क्या गाइस, घिसट घिसट के ही गया। फिर से ट्राई करेंगे अच्छे से। लॉन्च ही बिल्कुल बेकार लॉन्च था, बिल्कुल घटिया, दुनिया का सबसे घटिया लॉन्च था गाइस। इसको अकेले लॉन्च करना पड़ेगा। आराम से आराम से आराम से, बहुत बढ़िया। तो गाइस इस बार मैं अकेला इसको लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दो लोगों में जो है कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया। भागते हैं। रोको 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 रोको। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नहीं नहीं होएगा। एक और टाइम। म्यूजिक। थ्री टू वन गो। तो गाइस इस बार जो प्लेन है उसने दूरी तय करी है। और सोचो ये जो प्लेन है ये किस चीज का था भाई? ये बना हुआ था यहाँ पर बॉटल्स का, और वो इस बार सक्सेसफुली मेरे हिसाब से कम 40-50 फीट उड़ा है। और यहाँ पर फिलहाल हवाई चलना बंद होगी, नहीं तो ये और आगे जाता। क्या बात है यार, बोतल का प्लेन था भाई। हमने जो है काफ़ी बार अटेम्प्ट किए, लेकिन इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ कि प्लेन ने अच्छे से लिफ्ट ली है, जो हमें दिखाया कि प्लेन ने लिफ्ट ली है। थ्री टू वन गो। इस बार जो है इतनी दूरी तय करी इसने, कैमरा में दिखाया बढ़िया से। गाइस हम लोग दोपहर में आए थे, हमने बोतल का प्लेन बनाया, फिर हमने उसके अंदर इतने सारे मॉडिफिकेशंस करे कि जो प्लेन है वो इतना दूर चला गया। तो भाई साहब अभी जो प्लेन है वो गया नीचे, काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है ये जा चुका, और ढलान इतना ज़्यादा है कि अगर इस पर थोड़ा सा भी फिस ले तो जाएगी गड़बड़। मेरे को दिख ही नहीं रहा भाई। इस बार एक बार में जो प्लेन है उसने मतलब इतनी दूरी तय करी, कम से कम भी नहीं तो 70-80 फीट एक बार में डिस्टेंस तय करी, और ये जो है धीरे धीरे करके हुआ है। और भाई सोचो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ये किस चीज से बना है? ये बोतल से बना है, लेकिन हवा में उड़ रहा है भाई। जो प्लेन है वो कितना नीचे गया यार। तो गाइस फाइनली हम लोग प्लेन तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ इस नीम के पेड़ के अंदर जो प्लेन है वो उलझा हुआ है यार। इस पे अपना एक कैमरा और था जो कि मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल, एक गोप्रो कैमरा था इस पे। तो गाइस यहाँ पर अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। गाइस आपको एक बात बताऊं, किसी भी प्लेन को या किसी भी चीज़ को उड़ने के लिए एक शेप चाहिए होती है, जिसको बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप, जिसको एयरफॉइल शेप भी बोलते हैं, जिससे किसी चीज़ को लिफ्ट मिलती है। वो सरफेस एकदम स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन बॉटल के साथ में प्रॉब्लम ये है कि बॉटल कभी भी स्मूथ नहीं होती। हर बोतल के ऊपर एक पैटर्न होता है, और जब सारी बोतलें मिल जाती है तो एक पैटर्न वहाँ पर पूरा बन जाता है, डबल पैटर्न बन जाता है, पूरी सरफेस खुरदरी हो जाती है, एरोडायनेमिक जो है वो सही से नहीं बैठ पाती। लेकिन बावजूद उसके हमारी जो प्लेन है वो इतना दूर एकदम सीधी उड़ी, उसके बाद में उसका जो एरोडायनेमिक्स है वो बिगड़ा। ये भी अपने आप यार कमाल की बात है, क्योंकि हमको इसको ट्राई करते करते गाइस 4 घंटे हो गए हैं, फिलहाल शाम हो गई, अंधेरा हो रहा है भाई साहब। गाइस इस चीज़ के लिए जो है एक लाइक का बटन दबाना तो ज़रूर से बनता है। ये जो चीज़ है इस मटेरियल के हिसाब से बॉटल वाइज अगर देखा जाए तो 100% सक्सेस है यार। बोतल से बनाई हुई जहाज़ उड़ रही है इतने बड़े साइज़ की,
तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। कल शाम से लगे हैं, पूरी रात पूरा दिन जैसे कैसे करके बनाया है, बोतलों से प्लेन उड़ाया भी आपके सामने अभी। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मजेदार वीडियोज के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।